हेलो फूड लवर्स, मैं हूँ कविता। मेरे कुकिंग चैनल कविता की रसोई में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं क्रिसमस से रिलेटेड रेसिपी लेके आई हूँ। मैंने क्रिसमस का आज स्पेशल प्लम केक बनाया हुआ है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया हुआ है विद टिप्स एंड ट्रिक के साथ। आप क्रिसमस पे ये प्लम केक की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। और मेरे चैनल पे बहुत सारे केक की रेसिपी पहले से अपलोड करके रखी है, वो रेसिपी को भी आप ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये प्लम केक की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी न्यू रेसिपी के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। अब प्लम केक बनाने के लिए हम चलेंगे किचन की ओर। क्रिसमस स्पेशल प्लम केक बनाने के लिए हमने ये सामग्रियाँ ली हुई है। प्लम केक के लिए हमने मिक्स ड्राई फ्रूट लिया हुआ है, उसमें मैंने काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, काली किशमिश, येलो किशमिश लिए हुए हैं। आप अपने पसंद के और भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैंने इसमें टूटी फूटी लिए हुए हैं, मैंने 3 कलर के टूटी फूटी लिए हुए हैं। और मैंने इसमें 10 से 12 काजू, बादाम, पिस्ता है उसको मैंने इस तरीके से रफली चॉप किया हुआ है। अब सबसे पहले हम बाउल में ये मिक्स फ्रूट जूस ऐड करेंगे। आप इसके बदले ग्रेप्स का जूस मिले तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि प्लम केक में रम का यूज़ किया जाता है। हम इसमें 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ये मिक्स फ्रूट ऐड करेंगे। अब मैंने जो ये सारे ड्राई फ्रूट लिए हुए हैं कटे हुए, इन सबको हम एक साथ ही ये जूस में ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही साथ हम इसमें टूटी फूटी भी ऐड कर देंगे। मैंने तीनों जो टूटी फूटी अलग अलग कलर के लिए हैं, 1-1 चम्मच के करीब है ये, इन सबको भी हम ऐड कर देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम जूस के अंदर। सारे ड्राई फ्रूट और टूटी फूटी अच्छे से जूस में मिक्स हो चुके हैं। अब इसे कवर करके हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। अब हम शुगर को कैरेमलाइज करेंगे, उसके लिए मैंने 2 चम्मच के करीब ये शुगर लिया हुआ है। अगर आपके पास ब्राउन शुगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर मेरे पास ब्राउन शुगर नहीं था तो इसलिए हम नॉर्मल ये शुगर ऐड कर रहे हैं। अब इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए जब तक हमारा शुगर मेल्ट ना हो जाए तब तक ऐसी तरह से हमें चलाना है। और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम करके रखा है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो शुगर है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है, और इसे इसी तरीके से चलाते हुए हमें ब्राउन करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कंटिन्यू चलाया हुआ, ये ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा गुनगुना वाटर ऐड करूँगी। हमें इसमें गुनगुना वाटर ही ऐड करना है, नहीं तो अगर आप ठंडा वाटर ऐड करेंगे तो हमारा जो शुगर मेल्ट किया हुआ है वो पूरा कलेक्ट हो जाएगा एक साथ। वाटर डालने के बाद इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे। आप गुनगुना वाटर जब डालें तो बहुत सावधानी रखें, क्योंकि गुनगुना वाटर डालते समय ये चटकने लगता है। 1.5 मिनट तक मैंने इसे पकाया हुआ है। हमारा जो कैरेमलाइज शुगर है वो रेडी हो चुका है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब हम चलते हैं हमने जो ड्राई फ्रूट सोक किया हुआ है उसकी तरफ, क्योंकि 2 घंटे हो चुके हैं। ढक्कन को हम हटा लेंगे और जो हमने कैरेमलाइज किया था शुगर वो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और सबको अच्छे से हम एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। यह अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम कुकर को प्रीहीट होने के लिए रखेंगे। मैंने एक बड़ा कुकर लिया हुआ है जिसमें मेरा जो केक का मोल्ड है वो अच्छे से सेट हो जाए। मैंने ये कुकर के जो ढक्कन उस पर रबड़ और सीटी नहीं लगाया हुआ है। अब इसे ढक्कन बंद करके हम 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम चलेंगे अपने केक का बैटर तैयार करने के लिए। मैंने एक बड़ा बाउल लिया हुआ है। अब इसमें मैं 1/2 कप के करीब ये मेल्टेड बटर डालूंगी, और जितना मैंने मेल्टेड बटर लिया है उतना ही सेम क्वांटिटी में मैं कंडेंस मिल्क ऐड करूंगी इसमें। 1/2 टेबल स्पून के करीब अब इसमें हम वेनिला एसेंस ऐड करेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा कंडेंस मिल्क, बटर और वेनिला एसेंस है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट की तैयारी करेंगे। बाउल पे एक छलनी रखा हुआ है मैंने, और मैंने 1 कप ये मैदा लिया हुआ है, और 1 चम्मच के करीब मैंने ये कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है, और 1 टेबल स्पून के करीब बेकिंग पाउडर, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, और
चुटकी भर नमक। अब इन सारी सामग्रियों को हम अच्छे से छान लेंगे। अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें नमक ऐड ना करें। अब इन सारी सामग्रियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि एक भी लम्स ना रहे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये भी लम्स नहीं है। और जो हमने सोक किया हुआ ड्राई फ्रूट रखा हुआ था वो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। मैंने बड़े बाउल में ड्राई फ्रूट को सोक नहीं किया। अगर आप बड़े बाउल में ड्राई फ्रूट को सोक कर रहे हैं तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को आप बड़े बाउल में छान लें। अब इसे मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ और सारी सामग्रियों को अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ बैटर हमें तैयार करना है। और याद रखें एक भी लम्स ना रहे। मैंने ये दालचीनी का पाउडर लिया हुआ है। हाफ टेबल स्पून से भी कम हम दालचीनी का पाउडर इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर प्लम केक में आता है इसका। और भी मसाले इसमें ऐड होते हैं पर दालचीनी का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं हैंड मिक्सर का यूज़ करूँगी। हैंड मिक्सर से मैं इसे बस 1 मिनट के लिए मिक्स करूँगी। अगर कोई भी लम्स रहे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारा जो मिश्रण है प्लम केक का वो रेडी हो चुका है बेक होने के लिए। उसके पहले हम जो केक का मोल्ड है उसे ग्रीस कर लेंगे बटर से। आपके पास जो भी शेप का मोल्ड हो उसमें आप बेक कर सकते हैं। अब इसे चारों तरफ हम अच्छे से बटर से ग्रीस कर लेंगे। और मैंने बटर पेपर सेम साइज़ में काट लिया हुआ है। बटर पेपर को भी हमने सेट कर लिया है। उसके ऊपर भी हमने बटर लगा दिया है। अब हमारा जो ये बैटर है प्लम केक का वो हम मोल्ड के अंदर ऐड कर देंगे। और मोल्ड को हमें पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा खाली रखना है ऊपर के साइड। इसे हम थोड़ा सा टैप कर देंगे कि जो एयर बबल्स है वो निकल जाए। अब हमारा मोल्ड जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसे हम बेक करने के लिए लेके चलेंगे। 10 मिनट हो चुका है। हमारा कुकर भी जो है वो प्री हीट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं एक स्टैंड रखूंगी। मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड नहीं किया। आप चाहे तो सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं मोल्ड रख दूंगी केक का। अब कुकर को बंद करके हम इसे मीडियम फ्लेम पे 30 से 40 मिनट के लिए रख देंगे। बीच में एक बार इसे हम चेक करेंगे खोल के। 35 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन को हम हटा लेंगे और एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है कि नहीं अच्छे से। हमारा जो नाइफ है वो एकदम क्लियर निकल रहा है, मतलब हमारा केक जो है वो अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। अब इसे हम निकाल के डीमोल्ड करेंगे। मैंने इसे मोल्ड में से निकाल लिया हुआ है। ये हमारा केक जो है वो थोड़ा सा गर्म है। अब हम बटर पेपर को निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने जो ड्राई फ्रूट डाले थे हमारे प्लम केक में वो ड्राई फ्रूट कितने अच्छी तरीके से दिख रहे हैं। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के बाद पीसेस में कट करेंगे। अगर ये गर्म रहेगा तब हम कट करेंगे तो ये टूटने लगेगा। फ्रेंड्स, आप इस क्रिसमस पे इस प्लम केक की इजी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। आपको जरूर पसंद आएगी। और अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय।